जय महाकाल। नमस्कार दोस्तों, मैं YouTube चैनल आलमिक से ज्ञान सार में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपकी इस वीडियो में बहुत ही अच्छी जानकारी दूंगा, वीडियो पूरा अंत तक देखना। एक कमेंट आया था और उससे पूछा गया था कि उल्लू के तंत्र के बारे में बताइए, तो आज मैं इस वीडियो में उल्लू के तंत्र के बारे में बताऊँगा कि उल्लू की जो हड्डी से कैसे उसका रक्षा कवच विधान पाठी दाबते हैं और उल्लू से कैसे लक्ष्मी की बारिश किया जाता है, पैसों के कैसे बारिश करते हैं, इसके विधि विधान क्या है। हम लोग के ग्रामीण क्षेत्र में एक बार मैं मेरे गुरुदेव से इसके बारे में चर्चा किया था तो उन्होंने मुझे बताया था, वह जानकारी मैं आप लोगों के बीच में रखूंगा जिनसे आप लोग उनका सदुपयोग और जनहित जन कल्याण कर सकें। यह जानकारी केवल जानकारी के ही उद्देश्य से बताया जा रहा है और इसके पीछे में अगर कोई भी प्रकार का वाद विवाद होता है या कुछ तर्क वितर्क में इसमें और इसका जिम्मेदार आप अपने तरफ से लेंगे और इसमें जो भी जानकारी है वह केवल जानकारी के उद्देश्य ही समझें, ना कि कोई इसमें अहित और अनहित इस भाग्य का कोई नहीं है। दोस्तों, चलो बात करते हैं उल्लू तंत्र के बारे में। यह जो जानकारी है वह बुजुर्गों के द्वारा मिली हुई जानकारी है जो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता रहा हूँ। उल्लू तंत्र एक बहुत ही प्राचीन तंत्र है और उल्लू के तंत्र से जो है मारण, द्वेषण, उच्चाटन और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए विशेष करके किया जाता है। अब इसके पहले उल्लू का तंत्र क्या है और कैसे करते हैं इसके बारे में पहले जान लो। उल्लू एक पक्षी है, उसका भी है, ये नहीं कि आप उल्लू है तो उसको पकड़ करके उसको मार लें। मैं किसी के जन जीव हत्या या मारने के लिए पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि उल्लू हो या कोई मुर्गी हो या बकरा हो या कोई इंसान हो, यदि उसका आप मारते हैं, उसका प्राण लेते हैं, तो उसका दोषी आप होंगे और आप स्वयं ही उसके जिम्मेदार होंगे और इसका पाप का सजा आपको स्वयं मालिक परमात्मा देगा। अब यह सवाल होगा कि हम किसी भी जीव को नहीं मारते हैं, फिर उल्लू तंत्र आप बता क्यों रहे हैं? तो उल्लू तंत्र के पीछे में रहस्य है, पहले तंत्र को समझना, मैं समझाने की कोशिश करूंगा। उल्लू तंत्र के बारे में उसका हड्डी, उसका पंख, उसका नाखून, उसका जीभ, उसका आँख, ये बहुत मायने रखता है, लेकिन ये नहीं कि आप कहीं से भी उल्लू पकड़ लिया उसको मार दिए, ये बिल्कुल कानूनन अपराध भी है और सही में अगर मानवता दृष्टि देखा जाए तो भी है। तो ये सवाल कहाँ पे होता है कि हमको उल्लू मिलेगा कैसे, ये किस्मत से है। देखो, यदि कोई अकस्मात कहीं पे आपको मिल गया, कहीं करंट पे कोई मृत्यु हो गया, कोई पक्षी या फिर उल्लू या कोई भी चीज़, तो उसका इस्तेमाल करने के लिए ही तंत्र में बताया गया है, ना कि किसी से दूसरे से मारने के लिए बोलो। और मान लिया एक बात हुआ कि मैं तो नहीं मार सकता हूँ, मान लिया जाए और मेरे को उल्लू चाहिए तो मैं नहीं मार सकता, किसी और को बोल देता हूँ, तो नहीं वैगा वैसा अगर आप इसका प्रयोग करते हो, वैसा लाते हो, उसका प्रयोग करते हो तो सफल नहीं होगा बल्कि आप दोषी होगे। इसका तंत्र पीछे में कहा गया जो अकस्मात मृत्यु हुआ हो वह उल्लू के बारे में इस तंत्र क्षेत्र में कहा गया है, ना कि किसी पक्षी को मार कर उसका हत्या करके उसका तंत्र प्रयोग कर गए, ये घोर अपराध और पापजन्य क्रिया है, इसलिए अकस्मात मिलता है तो इसका विधि सुन लो। यदि आपको किसी दिन मंगलवार, गुरुवार या शनिवार के दिन कोई उल्लू आपको मरा हुआ मिल जाए कहीं, तो उनको आप ले आना। लाने के बाद में उसको सफ़ेद कपड़ा में, जिस तरह सफ़ेद कफन रखते हैं उसी तरह उसको एक सफ़ेद कपड़ा नीचे में, एक सफ़ेद कपड़ा ऊपर में और हल्का सा नमक उसमें डाल करके उसको जिस तरह मनुष्य को उत्तर की ओर उसका सिर किया जाता है और पैर दक्षिण दिशा की ओर होता है, उसी तरह उसको रख करके आपको जमीन में गाड़ देना है। गाड़ने के बाद में उसका आप सात परिक्रमा करेंगे, जिस तरह मनुष्यों में किया जाता है उसी तरह से उल्टा तरफ से सात बार परिक्रमा करना है, पूर्व से उत्तर, उत्तर से पश्चिम, पश्चिम से दक्षिण, दक्षिण से फिर पूर्व, पूर्व से उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, इस तरह से आपको परिक्रमा का है सात बार। सात बार परिक्रमा करने के बाद में वहाँ पे पांच अगरबत्ती जलाना है। पांच अगरबत्ती जलाने के बाद में आप वहाँ पर 21 दिन नित्य एक दीपक का जो है वहाँ पर प्रज्वलित करेंगे। अगर हो सके तो अगर घी का दीपक होता बहुत अच्छी बात है, अगर घी का दीपक ना हो तो आप जो है सरसों का तेल का दीपक जलाएंगे और दीपक जो जलाएंगे वो मिट्टी का रहेगा और उसका जो ज्योत जलता रहेगा वह जो है आपके पूर्व दिशा की ओर रहेगा। यह प्रक्रिया 21 दिन तक चलेगा। 21वें दिन तक आपको कहा जाता है कि उल्लू की आत्मा आपसे स्वयं बात करेंगी और इसका जो है वो स्वयं आपको स्पष्ट रूप से सामने में आ जाएगा। कुछ दिन पहले मैंने एक शिष्य के तंत्र क्रिया बताया था जिसमें उनको
तीन चार जाने की उसका स्पष्ट रूप से अनुभव हुआ था। लेकिन इसमें फिर मैं कहूँगा, अकस्मात अगर मिला हुआ हो तो ही उल्लू तंत्र क्षेत्र में काम आता है। आप मारोगे तो इससे, यदि मान लिया आपने इसको जानबूझकर पकड़ करके मार लिया और या फिर दूसरे से मरवा लिए, तो उनसे दोष क्या होता है ये भी मैं बता दूं। यदि आपने वैसे दूसरे का मारा हुआ ले आए, आप जान रहे हो कि मारा हुआ, आप दूसरे को बोल दिए और या आपने उसको मार दिया, तो इसके फलस्वरूप आपके यहाँ दरिद्रता, कलह और आपके घर में रखा हुआ धन समाप्त तो होने लगेगा। इसलिए इसको जो है मारना नहीं चाहिए और ना ही इसको जो है किसी से मारने के लिए कहना चाहिए। जीव का हमेशा रक्षा करना चाहिए। अकस्मात मिल गया तो सही है। अब इनका बताता हूँ वो प्रयोग कर लिए किस दिन, उसके बाद में उसका इस्तेमाल कैसे करना है। आप 21वें दिन के बाद में, आप जो 21वें दिन हो जाएगा तो शाम को इसको रात्रि काल में जाना है और उसको हड्डी को निकाल लेना है। और निकालने के बाद में और गाड़ने के पहले उसके पंजे को अलग कर लिए रहें और उसकी जीभ, उसके दोनों आँख जो है वो निकाल लिए रहें और उसके बाद में उसके खोपड़ी को अलग निकालें। निकालने के बाद में उसको साफ पानी से धो लें, अगर बहते हुए जल हो तो ठीक है, नहीं तो कुआं के जल, बहते हुए जल और कुआं के जल दो ही चीज में धोया जाता है। उसके बाद में उसे दूध से स्नान कर लें, दूध से स्नान करा लें, कराने के बाद में उसे रख लें लाल के कपड़ा में, हल्का सा सिंदूर रख लें। उसके बाद में उसकी जो खोपड़ी रह जाता है उसको लाल कपड़ा में रख करके उसके ऊपर में आटे का दीपक जला करके आप वहां से एक दीपक प्रज्वलित करेंगे और जो लौ निकलेगा उसी में आपको त्राटक करना है, मतलब स्पष्ट रूप से उसी को देखते रहना है। जब देखते देखते रहेंगे तो उसमें आपको नाना प्रकार का भांति भांति का चित्र दिखने लगेगा। जिस तरह आप स्वप्न में देखते हैं चित्र, उसी प्रकार से दीपक में चित्र दिखने लगेगा। इसके माध्यम से कहा जाता है कि इसके गड़ा हुआ धन कहाँ है ये पता चल जाता है, कोई व्यक्ति कहाँ घूम गया है इसके बारे में भी इसके हिसाब से तंत्र से एक जानकारी मिलता है। और एक और प्रयोग होता है, यदि आपके घर में कभी भी पाती दबाने के लिए होता है, घर में सुरक्षा घेरा बनाया जाता है, तो उसमें जो उल्लू का जो है हड्डी को बना दिया जाता है ताबीज, घर के चारों कोना में उसको रख दिया जाता है। इससे क्योंकि उल्लू दिन और रात दोनों में ही या रात में भी देख सकता है, तो उसे मंत्र से किलित करके चारों तरफ कर दिया जाता है, इससे घर बंदिश हो जाता है। एक और प्रयोग है इसके नाखून से, यदि इसके नाखून को रख करके इसका मंत्र से अभिमंत्रित करके या फिर मंगलवार के दिन करके एक सांस में जो भी बोल करके फूंक दिया जाए, किसी घर में अगर फेंक दिया जाता है तो वहां कलह उत्पन्न हो जाता है। दूसरा, इसका पंख का, यदि पंख का किसी का नाम पंख में नाम लिख करके सिंदूर से या फिर शमशान के कोयले से या फिर चीता के भस्म से का नाम लिख दिया जाए, उसके नाम घर में किसी घर में दाब दिया जाए, तो उसके घर में कला और उस व्यक्ति को उच्चाटन हो जाता है, उच्चाटन किया में। लेकिन उनसे पहले यह जान लो, जैसा कर्म करोगे वैसे फल पाओगे, इसलिए आप जन ही जन कल्याण के ही करना। अब वहाँ उच्चाटन किसका किया जाता है, यदि एक व्यक्ति के पीछे में अगर 10 व्यक्ति परेशान है तो उस व्यक्ति को उच्चाटन कर दिया जाता है, ना कि मारण उद्देश्य नहीं करना चाहिए उच्चाटन करने, या फिर उच्चाटन किया उसके दिमाग से कर दे कि यह व्यक्ति जो झगड़ा कर रहा है दूसरे से गलत व्यवहार कर रहा है तो वो भूल जाए, उसके दिमाग से वो बात उड़ जाए, ऐसा करके मनोरथ करके उसको रख दे, उसका दिमाग जो है बैर भाव है वो छोड़ करके प्रेम भाव में बदल जाएगा। इससे आपको पाप भी नहीं पड़ेगा और जन ही जन कल्याण हो जाएगा। यदि आपने इसका प्रयोग दूसरे का घर को तोड़ने के लिए या दूसरे के घर में कलह पैदा करने के लिए आपने इसका प्रयोग किया, तो उसके परिणाम आपको भी भुगतने पड़ सकते हैं। एक और उपाय बता देता हूँ, इस उल्लू तंत्र में यदि उल्लू 21 दिन तक आपने प्रतिदिन साधना किया, ठीक है 21 दिन किए, ये एक प्रक्रिया है जिसमें दीपक के माध्यम से करते हैं और 5 अगरबत्ती नित्य जलाते हैं। एक और आता है, यदि उस उल्लू को ला करके जिस विधि से रखें उसी विधि से रख दें और उसके ऊपर में ही बैठ करके 21 दिन खाना खाएं। 21 दिन खाना खाने के बाद में अब उसके खोपड़ी को और एक पंख का हड्डी को पकड़ करके आप रख करके, यदि कहा जाता है कि लक्ष्मी का आवाहन करने पर पैसों की बारिश होती है, मतलब पैसों की बारिश नहीं कि पैसों की बारिश करने लगे ऊपर से गिरने लगे, ऐसा नहीं, उसको रखने से पूजा पाठ करने से, क्योंकि लक्ष्मी का वाहन है या उल्लू, तो उससे आपके घर में आमदनी बढ़ेगी और सुख समृद्धि ऐसे बढ़ता है। लेकिन अकस्मात अगर उल्लू मृत्यु हुआ मिला तो ये नहीं कि मारोगे तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, आपके घर में कलह और लक्ष्मी चला जाएगा। जानकारी यही था, अगर यह जानकारी आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दें। मेरे चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल बेल आइकन उसको प्रेस कर देना, आज सेलेक्ट कर लेना, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो बनाऊँ उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स, जय महाकाल।